मम्मा, मैंने कहा था ना आपकी बहन आपसे नफरत करती है। She's gone. मम्मा उठो, मम्मा सुनो ना आपकी बहन क्या कह रही है। कह दो ये झूठे। देखो ना मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। उठो मम्मा, उठो ना मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा मम्मा उठो ना मम्मा, मम्मा उठो ना, देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। फिर तो रॉब रहेगा। तुम्हें तो सर ने झांसी की रानी कहा है। और महक को अरे वो बोल देना। बॉल मूव करते समय अपना दाहिना हाथ ढीला रखो तो तुम बेहतर खेल पाओगी। ओ रियली? तो अब तुम सिखाओगे हमें? आओ खेल के दिखा दो। लड़की होकर हॉकी खेलो, लड़की होकर हॉकी खेलो, लड़की हो। अरे कहीं हाथ पैर टूट गए तो ब्याहने लायक नहीं रहोगी, ब्याहने लायक नहीं रहोगी। अब इतनी बड़ी होकर ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ, डर गई? देख अपनी चुईमो योकी खेल रही है।
ये क्या? लगाया और ये सब मेरा कवर खोलने से पहले मुझसे परमिशन ली थी आपने? माफ करना बेटा, दोबारा पूछकर खोलूंगी। नहीं, आप मेरा कवर खोलेंगे ही नहीं। ये मेरा कवर है, इसे सिर्फ मैं या मेरी मामा खोल सकते हैं, तीसरा कोई नहीं। बेटा, हमने ऐसी कोई चीज को हाथ नहीं लगाया, हम तो बस बनारस के लिए आपकी पैकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। लिसन, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, इसलिए फॉर गॉड सेक मेरी चीजों को हाथ मत लगाइए आप। बेटा, हम तो बस आपकी मदद। नहीं चाहिए आपकी मदद, पहले जैसे बहुत मदद की है ना, यहाँ भी तो आप मदद ही करने आई थी, क्या किया? उल्टा सब बिगाड़ दिया है आपने। पापा और मेरे बीच कुछ छुपा नहीं रहता था, लेकिन आप आई और उन्होंने अपनी बीमारी की बात मुझे नहीं बताकर आपको बताई। बेकारी घुस आई हमारे घर में। अब जाओ यहाँ से। हमारी बात समझने की कोशिश। जाओ ना आप यहाँ से, जस्ट जाओ, गो अवे, गो। बेचारी गुंजन इतने करीब थी अपने माँ के। आकाश कैसे अकेले संभाल पाएंगे उसको, और वो भी लड़की। माँ का साया बहुत जरूरी है इस उम्र में। आप यहाँ मतलब कुछ दिन इंडिया में रहेंगे या हमारा मतलब है कि यहाँ का काम निपट जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे? मैं वापस चले जाऊंगा, वैसे भी वहां बहुत काम है। जी, मैंने तय किया है कि मैं बनारस से ही निकल जाऊंगा। अस्थि विसर्जन के बाद। जी, वो गुंजन जी, वो कहाँ रहेगी? थैंक यू, मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगी और क्या। वादा कीजिए आप हमारी गुंजन की जिम्मेदारी लेंगे? लेंगे ना, हम वादा करते हैं, हम गुंजन को हमेशा अपने पास रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। खैर, वो अस्थि विसर्जन की सारी तैयारियां बनारस में हो चुकी हैं। थैंक यू भाई साहब, पहले ही शैल जी ने इतनी मदद की है और अब आ रही, तो फिर चलना चाहिए, बनारस की फ्लाइट का वक्त हो गया है। मैं गुंजन को लेके आता। वादा कीजिए, वादा कीजिए, हमारे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद हमारी गुंजन का ख्याल, हमारी गुंजन का ख्याल, हमारी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।